सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज तुरंत पाने के लिए। राज्य कर्मचारियों का डीए 38% से बढ़कर हुआ 42%। जी हां साथियों, सबसे बड़ी खबर की बात करें तो राज्य कर्मचारी राजस्थान के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। खुशखबरी है कि उनके लिए डीए है वो बढ़ा दिया गया है, 38% से बढ़ाकर है वो 42% कर दिया गया है। गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भी डीए बढ़ाया गया था, उनका भी डीए बढ़ाया गया और इसी के इंतजार में राज्य कर्मचारी भी बैठे थे और यही सोच के कि कब हमारा डीए बढ़े, तो डीए बढ़ने की खबर आ चुकी है। राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है ये। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसकी जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए भी दी है कि केंद्रीय कर्मचारियों के अनुरूप राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब राज्य कर्मचारी को पेंशनर को 1 जनवरी 2023 से, जी हाँ दोस्तों, ये आपको स्पष्ट तौर पर ध्यान में आ जाएगा कि 1 जनवरी 2023 से 38% के स्थान पर 42% महंगाई भत्ता है वो दे होगा, यानी ये जो महंगाई भत्ता है वो आपको 1 जनवरी से दे होगा। आगे इसमें बात बताई गई है कि कर्मचारियों को संबल देने के लिए राज्य सरकार सालाना करीब 1,640 करोड़ रुपए वहन करेगी। इस निर्णय से लगभग 8 लाख कर्मचारी व 4.40 लाख पेंशनर को भी लाभ मिलेगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारी पेंशनर के अतिरिक्त पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी दे होगा। साथ ही दोस्तों बात करें इसी के संबंध में, जो ऑर्डर आया है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की ओर से, उसमें ये बताया गया है कि किस कर्मचारी को कब से ये लाभ दे होगा, अर्थात ये आपको 1/5/2023 से नगद लाभ दे होगा। या जो 38% से 42% डीए बढ़कर हुआ है वो 1 जनवरी 2023 से हुआ है और यहाँ पे अलग अलग कंडीशन के अनुसार कर्मचारियों को दे होगा। जैसे कंडीशन नंबर 1 की बात करें, क्या यहाँ पे लिखा गया पॉइंट नंबर 4 को आप देख सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन डेयरनेस अलाउंस फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/1/2023 टू 31 मार्च 2023 सेल बी क्रेडिटेड इन टू द जीपीएफ अकाउंट, यानी 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक का वेतन जो है बढ़ा हुआ वो जीपीएफ अकाउंट में जाएगा जिनके एक, और फॉर द एम्प्लॉय रिक्योर्ड बिफोर 1/1/2004 जो 1/1/2004 से पहले के कर्मचारी उनके लिए जीपीएफ अकाउंट है, साथ ही जो 1/1/2004 के बाद के कर्मचारी है उनके लिए जीपीएफ 2004 है। कुछ कर्मचारियों का जीपीएफ में, कुछ कर्मचारियों का जीपीएफ 2004 में जाएगा। इसी तरह जो ऑटोनम्स बॉडी पीयूएस बोर्ड्स कॉरपोरेशन है उनका जीपीएफ सेप के अंतर्गत जाएगा। साथ ही इसका जो कैश पेमेंट है, पॉइंट नंबर 5 यही कहता है कि कैश पेमेंट आपको 1/5/2023 से दे होगा। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको और भी देखने को मिल सके।